अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ रहीम हैदरी। हैदरी इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्यूटर एकेडमी की तरफ से एक बार फिर आपकी खिदमत में एक नई टिप के साथ हाजिर हूँ, और ये टिप है द यूज ऑफ बिकॉज एज ए कंजंक्शन एंड एज अ प्रीपोजिशन। हाउ कैन वी यूज बिकॉज एज ए कंजंक्शन एंड एज अ प्रीपोजिशन। बट बिफोर गोइंग अहेड I'm going to request you that please, it is our channel name, subscribe it. It is also the second name of our channel. Please subscribe, press buttons. And also if you have any question, then you can send me with these WhatsApp numbers. जाते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। Dear, इसके साथ साथ हमारी ये किताब है नो टेंशन इन टेंसेस। अगर आप लोगों ने इसको अभी तक नहीं ली हो, प्लीज़ इसको ले स्टडी करें, खुद भी और अपने दोस्त रिश्तेदारों और छोटे भाई बहनों और दोस्तों के साथ। और इसके साथ साथ है ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा मुख्तसर और आसान लहजे में इसको मैंने आसान लहजे में लिख लिया है। इसकी भी अपने साथ ले लें। और इसके साथ साथ ये है बी गोल्ड 1000 फुली कंजुगेटेड वर्ब्स। ये भी एक वोकेबलरी है जो कि बी गोल्ड के नाम से मार्केट में मशहूर है। इसको भी ले लें और अपनी वोकेबलरी को बढ़ाएं। और इसके साथ साथ ये एक शेर है पश्तो में, यार जमा दबे वसई तस्वीर खबर कवि, यारा जमा दबे वसई तस्वीर खबर कवि, सौर तंदली कम पाख पला पके दर्द करेगी। इसलिए मेरी भी यही आपसे एक दरख्वास्त है कि प्लीज़ अपने करीबी गरीब बेबस और जितने भी यतीम लोग हैं उसकी मदद करें, जितना भी हो सके इस रमजान मुबारक में इसकी खास मदद करें। इसके बाद यह हमारी पार्ट 17, और ये जो टॉपिक है ये खासकर एनटीएस इटा और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। आते हैं हम बिकॉज की तरफ कि बिकॉज क्या है अकॉर्डिंग टू ग्रामर्स और बिकॉज ऑफ क्या है अकॉर्डिंग टू ग्रामर्स। इसलिए अगर बिकॉज के साथ ऑफ लग जाए यानी प्रीपोजिशन ऑफ आ जाए बिकॉज ऑफ, तो ये एक प्रीपोजिशन बन जाता है। लेकिन अगर इस बिकॉज के साथ ऑफ ना हो, सिर्फ बिकॉज हो, तो ये एक कंजंक्शन होता है। आते हैं हम इसके यूज की तरफ। सलमान वाज एब्सेंट यस्टरडे, सलमान कल है हाजिर था बिकॉज, क्योंकि ही वाज अनवेल, क्योंकि वो बीमार था, क्योंकि वो बीमार था। सलमान कल है हाजिर था क्योंकि वो बीमार था। यहां अगर हम देख लें तो यहां सिर्फ हमारे साथ क्या है बिकॉज है, और इसके बाद फुल हमारे साथ एक क्लाज है, इसलिए ये बिकॉज यहाँ कंजंक्शन है। कंजंक्शन सलमान वाज एब्सेंट यस्टरडे, सलमान कल एब्सेंट था क्योंकि, यानी जब क्यों की मानी दे तो ये हमारे साथ क्या होता है, ये कंजंक्शन की मानी देती है बिकॉज क्योंकि। और इसके साथ साथ ये देख ले, आई वॉज एबसेंट यस्टरडे, मैं कल गैर हाजिर था बिकॉज ऑफ इलनेस, बिकॉज ऑफ इलनेस बीमारी की वजह से, की वजह से, यानी यहाँ बिकॉज अब हमारे साथ एक प्रीपोजिशन है क्योंकि इसके बाद इलनेस आ गई है जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा हमेशा या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, इसलिए ये हमारे साथ क्या है, ये एक नाउन है, इसलिए ये बिकॉज आपकी वजह, यहाँ इसकी मानी है की वजह से, और ये हमारे साथ क्या है, ये एक प्रीपोजिशन है। आई वॉज एब्सेंट यस्टरडे बिकॉज ऑफ इलनेस, यानी बीमारी की वजह से, क्योंकि मैं बीमार था, यानी बीमारी की वजह से मैं कल एब्सेंट था। इसी तरह यू कैन नॉट गेट गुड जॉब, तुम अच्छे जॉब हासिल नहीं कर सकते हो बिकॉज, क्योंकि यू आर बिकॉज योर एजुकेशन स्टैंडर्ड इज डिससेटिस्फाइड, यानी आपकी एजुकेशन अच्छी नहीं है,
इसलिए तुम क्या, इसलिए तुम अच्छी जॉब हासिल नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट गेट गुड जॉब बिकॉज, क्योंकि आपका एजुकेशन अच्छा नहीं है। क्योंकि मानी में आ गया, इसलिए ये बिकॉज क्या है हमारे साथ, ये एक कंजंक्शन है और ये क्योंकि मानी देता है। इसी तरह आई डिड नॉट ऑपरेट और रन, यानी लैपटॉप या कंप्यूटर चलाने के लिए या तो हम चलाने के लिए हम ऑपरेट इस्तेमाल करते हैं या रन इस्तेमाल करते हैं। आई डिड नॉट ऑपरेट और रन द लैपटॉप बिकॉज आई डिड नॉट नो इंग्लिश वेरी वेल। आई डिड नॉट ऑपरेट और रन यानी मैंने नहीं चलाया द लैपटॉप, लैपटॉप यानी मैंने लैपटॉप को अच्छी तरह इस्तेमाल नहीं किया। क्योंकि बिकॉज आई डिड नॉट नो इंग्लिश वेरी वेल, क्योंकि मैं अंग्रेजी अच्छी तरह नहीं जानता था, इसलिए मैंने इसको नहीं चलाया या इसका इस्तेमाल नहीं किया। डियर, ये बिकॉज अब जो है ये एक प्रीपोजिशन है, लेकिन इस प्रीपोजिशन की जगह हम आवर अल्फाज जिस तरह के ओविंग टू, इसी तरह ऑन अकाउंट ऑफ, इसी तरह ड्यू टू, ये सब सिनोनिम है, एक जैसे है। यानी अब अगर बिकॉज आप हो, ओइंग टू हो, ओइंग के साथ टू आता है, ऑन अकाउंट ऑफ, अकाउंट से पहले और बाद में, ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारे साथ प्रीपोजिशन है। ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू, ये सब के सब सिनोनिम है, यानी इसकी मानी एक जैसे है। किस तरह हम जाते हैं आगे की तरफ, जिस तरह के आई कैन नॉट गेट गुड जॉब बिकॉज ऑफ my poverty, because of my poverty, on account of my poverty, due to my poverty, owing to my poverty, यानी ये आपके लिए चॉइस है कि अगर सेंटेंस में इन तमाम में से कोई भी आ गई हो तो ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है। my poverty, because of, on account of, due to, owing to, ये सब के सब सिनोनिम है, बराबर है, ये आपके लिए चॉइस है जिसमें से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। डियर, आज हमने सिर्फ बिकॉज के बारे में तफसील से बात की कि बिकॉज और बिकॉज ऑफ क्या है, इसमें फर्क क्या है। बिकॉज जब आ जाए सिर्फ तो ये कंजंक्शन है और ये क्योंकि मानी देता है, और बिकॉज ऑफ और अकाउंट ऑफ और ड्यू टू और ओइंग टू, ये की वजह से मानी देता, और ये तमाम के तमाम क्या देता है, की वजह से मानी देता है। जिस तरह के आई कैन नॉट गेट गुड जॉब, आई कैन नॉट गेट गुड जॉब बिकॉज ऑफ माय पॉवर्टी, मेरे पॉवर्टी की वजह से, मेरे पॉवर्टी की वजह से, की वजह से, की के जरिए, की वजह से, की वजह से, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू। ये है छोटी सी टिप जो कि बिकॉज और बिकॉज ऑफ के बारे में थी। ऐसा ना हो कि जहाँ भी आप बिकॉज देख लें तो ये कहते हैं कि ये हमारे साथ क्या, ये कंजंक्शन नहीं दिया, जब इसके साथ ऑफ आ जाए तो ये एक प्रीपोजिशन बन जाते हैं। जिस तरह अकाउंट से पहले ऑन और ऑफ बाद में आ जाए, ऑन अकाउंट ऑफ, तो ये भी एक प्रीपोजिशन है, ड्यू टू बी एक प्रीपोजिशन है, ओइंग टू एक प्रीपोजिशन है। इसका मकसद यह है कि इन तमाम के बाद या नाउन या प्रोनाउन आते हैं क्योंकि प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन की उसूल यही है कि इसके बाद हमेशा के लिए नाउन या प्रोनाउन आता है, और बिकॉज जब सिर्फ आ जाए तो इसके बाद सिर्फ एक क्लॉज आता है। ये है हमारी एक छोटी सी टिप। इसके बाद हम आगे इंशाल्लाह अजीज कुछ और टिप के साथ फिर हाजिर होंगे। एक बार फिर, अगर आप लोगों ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्रेस द बेल बटन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।